ना वो सब तो बड़ा बेचारा आ दुनिया का बेचारा। पता क्यों बेचारा? वैसे नहीं बेचारा आ, उहदे कोल सब कुछ हैगा पर उहनू उस चीज़ नू यूज करना नहीं आ रहा। वैसे नहीं बेचारा वा कि दुनिया का सब तो महंगा और सब तो कीमती तन उहदे कोल है पर वह फिर भी गरीब है। वैसे नहीं बेचारा आ सारिया बरकतां ते आशीषां उहदा पिछा कर रहा पर उहनू नहीं पता। जेकर तुसी वचन नू नहीं जानते, अगर तुसी वचन नू नहीं पढ़ रहे तो फिर बाइबल के अनुसार वो बेचारे लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर नू कितना समझोगे तुसी प्रभु की इच्छा नू, प्रभु कितना तुहाडे नाल गल करदा तुहानू कितना पता लगेगा कि परमेश्वर की मर्जी है, प्रभु की इच्छा आ, वो तुहानू कितना ब्लैस करना चाहता, तुहानू कितना आजाद करना चाहता, तुहानू की वे पता लगेगा किस तरह उहदे वचन दे द्वारा। हालेलुया। याद है पिछले संडे मैं तुहानू एक गल दसी सी कि परमेश्वर कहता कि मैं तुहानू स्थिर करन जा रहा। हालेलुया। स्थिर का मतलब पता की है? वो कहता मैं तुहानू सदा लई खड़े करन जा रहा। हालेलुया। कहता अज तो मैं तेनों खड़ा करांगा तेरे परिवार च, तेरे बिजनेस दे विच, तेरे शरीर दे विच, तेरे फाइनेंस दे विच। खड़े होने का मतलब, स्थिर होने का मतलब फिर वो चीजा तुहाडे ते है भी नहीं हो पाणगियां, फिर वो चैलेंज तुहानू नीचे नहीं कर पाणगे, फिर वड्डे तो वड्डा कलेश तुहानू हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तेनों स्थिर कर रहा, मैं तेनों खड़े कर रहा वहां और मैं तेनों सदा लई खड़े कर रहा। हालेलुया। अगर तुसी तैयार हो तो खुदावन तैयार है तुहाडी जिंदगी च तुहानू स्थिर करन लई। मैं तुहानू फिर कह रहा हालेलुया। वो तैयार है तुहाडे फाइनेंस दे विच, तुहाडे रिलेशन दे विच, तुहाडे परिवार दे विच, तुहाडे बिजनेस विच, वो तैयार है तुहानू पूरी तरह खड़े करन लई गवाही दे नाल। आमीन। हालेलुया। यशाया 26 ओदी 3 च की कह रहा परमेश्वर, सुनो ध्यान नाल। एक पंजाबी दी मैनू दे दो बाइबल नाल, जे कोई भी पंजाबी दी बाइबल एक दे दो। हालेलुया। पहले मैं पंजाबी च पढ़दा। जेहड़ा तेरे विच लिवलीन है तू ओदी पूरी शांति नाल राखी करदा है। बोलो आमीन। उच्ची बोलो आमीन। की कह रहा परमेश्वर? लिखा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन है तुम्हारी रक्षा करने वाला? कोई इंसान? तो उन्हें बॉडीगार्ड की लोड़ हैगी है? तो उन्हें बंदूक की लोड़ हैगी है? हैं? तो उन्हें सिक्योरिटी की लोड़ हैगी है? किसी की लोड़ नहीं है। तुम्हें खुदा की कह रहा है, प्रभु का वचन की कह रहा है, ध्यान सुनो। परमेश्वर की कह रहा है साफ और क्लियर, कहता जेड़ा तेरे विच, यानी कि जेड़ा मनुख, जेड़ा इंसान यहोवा परमेश्वर दे विच लवलीन है, उहदे विच मगन है, उहदे ते भरोसा रखता आ, उहदे ते धीरज रखता आ, उहदे सदा लई उहदी आस यहोवा आ। कहता यहोवा की कह रहा, तू उहदी पूरी शांति लई राखी करदा है अते इसलिए क्योंकि उहदा भरोसा तेरे उत्ते। हालेलुया। तुहाडा भरोसा किहदे उत्ते होना चाहिए है? बोलो। सुनिया नहीं मैनू? परमेश्वर ले। कल दी गल दसदा तुहानू, कल मैं और खुदा दी दासी कोई सानू काम सी, असीं जू शेर तो लैके राती 8 बजे तक कोई काम कराना सीगा, कोई काम सी घर दा, और असीं पूरा दिन उस बंदे ते डिपेंड रहे कि वह बंदा आके काम कर दे। जू सवेर दे शुरू ही कोई काम नहीं किया, बाहर दे काम सी, कितने नहीं जा होया। जो देखा भी रात पै गई और कहा मेरे ना जरूरी सी, अगर वह काम ना करते उहदे च कोई नुकसान भी हो सकता सीगा। और राती 8 बजे मेरे मन में एकदम एक बंदे का नाम याद आया, एक बंदा याद आया, और मैं खुदा दे दस नूं कहा कि नहीं आपां सवेर तो लैके हुण तक उहदी वेट कर रहे गलत है। असीं उस बंदे नूं घंटी मारी, फोन मारिया, वह बंदा 10 मिनटां विच मेरे कोल आया, और जिहड़ा असीं सवेर तो लैके रात तक उस दूजे बंदे की वेट करके टाइम खराब किया। जिस बंदे नूं मैं फोन करके बुलाया, जिद्दां प्रभु ने नाम दिता उस बंदे का दिमाग च, प्रभु ने कहा कि उन्हें फोन कर, तुसी ये तो दी वेट कर रहे हैं। और जिद्दां ही उस बंदे ने फोन किया 10 मिनट आया और अद्धे घंटे एक घंटे काम करके वो चला भी गया वापस। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की कह रही है, खुदा का वचन की कह रहा है परमेश्वर, कहता अगर तुसी
पूरे मन दे नाल यहोवा दे धीरज रख रहे हो, वेट कर रहे हो दी चाहते हो दी प्लानिंग नू, तुसी परमेश्वर दा भरोसा रख रहे हो। बाइबल साफ साफ कह रही है, उदा वचन कह रहा कहता ओ तुहानू शांति देगा अते ओ तुहाडी रखवाली करेगा। हालेलुया, की करेगा तुहाडी ओ है जिदे घर तुहाडी रखवाली तुहाडा परमेश्वर करे, तुहानू किसदा डर है? है जेकर तुहाडा परमेश्वर तुहाडा रक्षक होवे तुहानू किसे गार दी लोड़ है? है जेकर तुहाडा परमेश्वर यहोवा, जिहड़े सुनदे आ ओह अपने हत्थां नू चुको ताकि मैनूं ही पता लगे कि हाँ भाई तुसीं सुन सकदे हो। हालेलुया हालेलुया, मैं उही तुहानू कहना जेकर तुहाडे कोल वचन नहीं है की करोगे, की करोगे दसो? जे अगर तुहाडे कोल वचन नहीं है की करोगे दसो? मैं बोल के दसो कितना बदोगे प्रभु विच? है बोलो तो सही, कितना बदोगे? वचन की है, बोलो वचन एक हथियार है। की है वचन? वचन की है एक, ऊंची बोलो वचन की है हथियार। हालेलुया, जिन्हों को बाइबल मैं चाहना खोलो अपनी बाइबल सब फिलिपियां चार खोल लांगे, मैं चाहना कि अपनी बाइबल तुसी खोल के रखो फिलिपियां चार। है तेरा वादा, जिन्होंने मिल गया अपने हाथों में हिलाओ, मिल गया कि नहीं हो? मिल गया मेरे नाल सब पढ़ांगे एक मन हो गए, बोलो अपने अपने बाइबल देखो। इसीलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन हालेलुया। केड़े केड़े गल्लां पर ध्यान लाना वा? है बोलो सत्य दी गल्लां दे विच, आदरणीय गल्लां दे विच, उचित गल्लां विच, पवित्र गल्लां विच, सुहावनी गल्लां विच, मन भावनी गल्लां विच, सद्गुण दे विच अते प्रशंसा विच की लगाना आ? है ध्यान। ओ फलाने ने की कहता ना सुनो, तुहानू कौन की कह रहा ना सुनो, प्रभु दा वचन तुहानू की कह रहा इहदे वल ध्यान दो। हालेलुया, अगर प्रभु दा वचन सुनोगे कदे निराश नहीं होवोगे, अगर प्रभु का वचन तुहाडे अंदर है तुसी कदे डाउन नहीं आओगे। लोग तुहानू कोशिश करनगे गिरान दी पर खुदावंद तुहानू उच्चा कर देगा। हालेलुया, लोग तुहानू करनगे पिछे खिंच के लेकिन लोग जिन्ना तुहानू पिछे करनगे तुसी उन्ने अगे जाओगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा तुहाडा रक्षक है, यहोवा तुहाडी चट्टान है, यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहाडे नाल आ। आमीन हालेलुया। इस करके इस गल नू ध्यान नाल इस वचन नू समझो, क्योंकि अज लोगों के गिरन का कारण की है? वो जी वो फलाने ने मैनू अदा कहता जी, है उन्हें मैनू अदा कहता, मैनू मैं नहीं जाना हूं, मैं नहीं करना हूं, मैं नहीं वो सुननी। ये प्रभु नहीं, ये शैतान है तुहाडे अंदर, मैं साफ दस रहा हाँ, ये शैतान करा रहा तुहाडे कोलो, क्योंकि शैतान थोड़ी सोचा तो थोड़े मुँह से कब्जा कर चुका, उन्हें प्लैन कर लिया तुम्हें गिरान का, हूँ उन्हें प्लैन कर लिया तुम्हें नाश कर लिखा कि नाश होने तो पहला की आता वा कमांड आता है, नाश होने तो पहला की आता वा कमांड है ईरखा, लेकिन ऊंचे उठन तो पहला वधन तो पहला बंदा नम्र होता, बंदा हलीम होता, बंदा अपने आप को की कर लेना शून्य कर लेता, बंदा अपने आप को जीरो कर लेता, क्योंकि उस जीरो यहोवा परमेश्वर महाअभिषेक उन्हें हीरो बना देता। आमीन हालेलुया, तुसी ना लोका विच अपने आप को उच्चा करो, प्रभु नु उच्चा करा दो। हालेलुया, यदि यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानू उच्चा करेगा, जिहड़े अपने आप को उच्चा समझदे सी तुहानू देख के आप शर्मिंदा हो जाणगे। आमीन हालेलुया। अज प्रॉब्लम की, अज लोग बहुत सुनते हैं बहुत सारी गल्लां,
आज हर कोई बल्ले बल्ले लेना चाहता या थल्ले नहीं होना चाहता कोई, आज हर कोई चाहता कि मेरा नाम भी मेरी बल्ले बल्ले भी मेरे नाम को बल्ले बल्ले मिले, आज हर कोई चाहता कि मैं आगे होवा मेनू ऑनर मिले। अगर आज तुम ऑनर नहीं मिलेगा थोड़ा नाम पिछे ना तन बात करो मैं तुम्हें दसदा, क्योंकि यही है परमेश्वर। एक समय वेट करो, धीरज रखो, शांति रखो, खुदावर तुम अपने आप अगली रेस पहुंचा देगा, खुदा अपने आप तुम ऊंचा कर देगा। आमीन, हालेलुया। अगर तुम कोई फालतू गल कहता ना जवाब दो, अगर कोई तुम खिजान ले कुछ कह रहा वा कुछ ना बोलो, प्रभु नु बोलो प्रभु तू देख, प्रभु की कर, प्रभु तुसी ना बोलो। मेरे लाइफ बहुत बुरे तरह टाइम आए, मेरे जीवन च बहुत सारिया, मैं हमेशा उन्होंने प्रभु तू देख। एक दिन आएगा मैं तुम्हें लिख के दूंगा गल, मेरे को लिख लो, मेरे साइन करा लो बिना लिखे, एक दिन आऊगा वही बंदा थोड़ा सपोर्टर होएगा, मैं तुम्हें दसदा वही बंदा थोड़ा की होएगा है केड़ा, जिन्हें किसी टाइम थोड़ी लत खिची है, जिन्हें किसी टाइम तुम्हें पिछे किया वा, जिन्हें किसी टाइम तुम्हें की किया पिछे किया, जिन्हें किसी ने तुम्हें नीचे करने की कोशिश की है, एक दिन आएगा चिंता ना करियो, वो बंदा थोड़ा सब तो वाला हेल्पर, थोड़ा सब तो वाला सपोर्टर ही होगा यीशु मसीह के नाम के। आमीन, हालेलुया।